हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दराक्षा। आज मैं वयम आयुर्वेदा फेस पैक का रिव्यू करूँगी। देखिए, ये है प्रोडक्ट वयम आयुर्वेदा मधुलिका ड्राई स्किन हाइड्रेटिंग पैक, रीठा पाउडर एंड आलमंड पाउडर। नेट वेट है 40 ग्राम। 40 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका प्राइस है 205 रुपया। यहाँ पे दिया हुआ है। इसका इंग्रेडिएंट है यहाँ आलमंड पाउडर, शिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर, कॉलिन क्ले, कैस्टर ऑयल, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। ये आपको purple.com पे मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ऑफ़र चलते रहता है, ऑफ़र में मिल जाएगा। इस तरीके का ये देखिए, काफ़ी आयुर्वेदिक दिखता है। इस टाइप का स्टील बॉटल में आता है ये। यहाँ पे पूरा लिखा रहता है कैसे यूज करना है, करना दिखा रही हूँ। इस तरीके से पाउच निकलता है। ये पाउच है इसका। मैं इसको आधा यूज़ कर गई हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें एक चम्मच भी मिलता है, इसमें भी रख सकते हैं पर मैं इसी में रखी हुई हूँ। इसको आप मिक्स कैसे कैसे कर सकते हैं मिलाने के लिए, मिक्स करने का ही सिंपल सा तरीका है। प्लेन वाटर में भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास दही है उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। कच्चा दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो। इसमें लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मैं ऐसे यूज करती हूँ। इसको मिक्स करने का तरीका दिखाती हूँ कैसे मिक्स करना है। इसमें निकालेंगे थोड़ा सा बाउल में, जितना आपके फेस के अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसमें बहुत सारे आते हैं प्रोडक्ट, मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कौन सा सूट करेगा आपको। देख लीजिएगा आपको किस टाइप का चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारा है पर मैं इसको विंटर में ज़्यादा यूज कर रही थी, अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा स्किन को सॉफ्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा ये रहेगा, रफ़ रहेगा तो आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ड्राई स्किन है, सारे इंग्रेडिएंट इसके नेचुरल हैं, आयुर्वेदिक हैं। इस तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा मैं नहीं मिला रही हूँ, मैं तो रोज़ वाटर में ही लगा लेती हूँ। इस तरीके से मिलाकर इसको ऐसे ही अप्लाई कर लेना है जैसे मैं दिखा रही हूँ हाथ पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाइएगा, मैं तो थोड़ा ही बनाई हूँ हाथ पे लगाने के लिए। इस तरीके से लगाकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है सुबह सुबह, और कुछ नहीं। देखिए 15 मिनट हो चुका है, मैं आती हूँ इसको धोकर। देखिए मैं धोकर आ गई हूँ। इस तरीके से सॉफ्ट लगने लगता है स्किन धोने के बाद। आप इसके धोने के बाद टोनर अप्लाई कर लीजिएगा, मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइएगा। कोई भी पैक यूज करने के बाद टोनर मॉइस्चराइजर ज़रूरी होता है फेस पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। प्रोडक्ट बहुत सेफ है। ये है आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।